नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत हिर्री में 80 लाख की लागत से बना स्टेडियम हुआ खंडहर में तब्दील। तहसील किरनापुर मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत हिर्री में बना स्टेडियम अपने निर्माण के कुछ ही वर्षों में खंडहर में तब्दील हो गया। शासकीय अधिकारियों की लापरवाही से शासन के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके रखरखाव व सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जाते, जिस कारण शासकीय योजनाओं की शासकीय अधिकारियों द्वारा धज्जियां उड़ाई जाती है। वहीं शासन खेल के प्रति करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, साथ ही ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके, वहीं शासकीय अधिकारियों के रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि शासकीय भवन खंडहरों में सिमट कर रह जाएंगे। ग्राम पंचायत हिर्री सरपंच द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा स्टेडियम खेल मैदान के सुरक्षा के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, जिससे स्टेडियम की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कर्मी नियुक्त किया जा सके। पंचायत में ऐसा कोई फंड भी नहीं है जिससे स्टेडियम का रख रखाव हो सके, और बताया जाता है कि अज्ञात तत्वों द्वारा स्टेडियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सीलिंग फैन, लाइट, स्विच बोर्ड, नल, वॉश बेडिंग चोरी हो गए, जिसकी मैंने थाना किरनापुर में शिकायत दर्ज करवाई थी। जनपद सीईओ को तथा जिला पंचायत सीईओ को मेरे द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो गया। एमपीसीजी 24 न्यूज किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं सरपंच अशोक सिंह चौहान, ग्राम पंचायत हिर्री। सर, ये यहाँ स्टेडियम आपके ग्राम पंचायत में निर्माण किया गया है, उसकी खस्ता हालत है सर, खंडहर बन चुका है सर, क्या कारण है सर, कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है उसकी? सर, ऐसा है कि बिल्डिंग में कोई चौकीदार आज दिनांक तक है नहीं, और मेरे द्वारा चौकीदार रखने के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत में आवेदन दिया गया था परमिशन लेने के लिए, ताकि मुझे परमिशन मिल जाए तो फिर उनको चौकीदार रखेंगे तो उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर इसके लिए ऐसा कोई फंड नहीं है सर जिससे आप इसकी सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार नियुक्त कर सकें? अभी तक तो नहीं है सर कुछ। और सर, वहाँ के पंखे पानी टंकी चोरी हुई है, पंखे, ट्यूबलाइट, वॉश बेसिंग, नल तक ले गए, तो इसकी हालांकि मैंने FIR दर्ज कराया थाना किरनापुर में। अच्छा, आपने जनपद सीओ को कोई शिकायत की सर इस संबंध में? हाँ सर, किया। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस आश्वासन मिला है मुझे। संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ, ठीक, थैंक यू।